हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण हमारा धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है। इट इज अ मैनुअल फॉर मैनकाइंड। तो आखिर इसमें लिखा क्या है, क्या आपको मालूम है? डोंट वरी, आज हमारे कुछ यूथ भक्त देश और विदेश के अलग अलग भागों से यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ भक्त पाकिस्तान से हैं, तो कुछ भारतवर्ष से, तो कुछ ओमान से, तो कुछ भक्त जर्मनी से। वे हमें बताएंगे इस ग्रंथ के बारे में। अगर आपके मन में भी कुछ प्रश्न है या आप चाहते हैं कि लाइफ से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिले, तो इन्हें जरूर सुनिए। सर्व मंगल कारिणी, सर्व संचय निवारिणी, सर्वर्थ प्रदायिनी भगवद गीता यथारू। हरे कृष्णा, क्या आप भी दुख और सैडनेस से जकड़े हुए हैं? क्या आपके भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं जिसका आपको लगता है कि कोई अंत नहीं होगा? मेरे भी लाइफ में यही सारी दिक्कतें हैं। मैंने गीता खोली तो मुझे उसमें इसका जवाब मिला, चैप्टर 5 वर्स 22 में, और मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ इस जवाब को। भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नैवते आदि अंत अंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। क्या आप भी मेरी तरह इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? तो इसका जवाब हमें भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के अध्याय 6 के 6 श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, क्या आप भी एक ट्रू फ्रेंड की तलाश में हैं? इफ यस, देन भगवद गीता 9 चैप्टर 18 वर्स में देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, आई एम द गोल, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and most dear friend. और then देखिए chapter number 29th verse में भगवान कहते हैं, I am envy no one, nor I am partial to anyone. लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वो ही मेरा सच्चा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। सो मेक द कृष्णा योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू विल बी हैप्पी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई एम अ डिवोटी एंड आई फील वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस माया वर्ल्ड। लॉट ऑफ डिविएशन अट्रैक्शंस आर देयर ऑल अराउंड। हाउ टू लिव, चारों तरफ इतनी माया है, इतना आकर्षण है कि समझ नहीं आता कैसे बचो इनसे, कैसे रहो इन सबके बीच में। इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता 2.58 में मिलेगा। यदा संहरते चायम कुर्मो गानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्णा सेज, वन हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस एज अ टॉर्टोइस ड्रॉ इट्स लिम्ब्स विद इन द सेल। कृष्णा कहते हैं, हमें कछुए की तरह रहना है और अपने इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ना है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हरे कृष्णा, क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं? सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिलेमा में हैं कि मैं क्या करूं?
तो आपका सल्यूशन इस भगवद गीता में है। अर्जुन भी कंफ्यूज थे, नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करें। तो भगवद गीता को पढ़िए और अपना सल्यूशन पाइए। अर्जुन कहते हैं 18th chapter 73rd verse में, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युता हितो अस्मि गता संदेह करश्ये वचनम तव। ओ इनफैलिबल वन, माय इल्यूजन इज नाउ गॉन। आई हैव रिगेन्ड माय मेमोरी बाय योर मर्सी। आई एम नाउ फर्म एंड फ्री फ्रॉम डाउट एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। तो अर्जुन को तो अपना सोल्यूशन मिल गया, अब आपकी बारी है। मेरा एक सवाल है जो कि सबका सवाल हो सकता है। मेरा एक मित्र है जो कि बहुत ही क्रोधी है, घमंडी है, भगवान को तो सुनना ही नहीं चाहता। क्यों है वो ऐसा? Why he is like that? क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं? भगवान इसका जवाब भगवद गीता में 16.4 में देते हैं। भगवान कहते हैं, प्राइड, इग्नोरेंस, एंगर, हार्शनेस, दीज क्वालिटीज बिलोंग टू दोज ऑफ डेमोनिक नेचर। ये जो गुण हैं, सारे गुण हैं ना, ये असुरी स्वभाव के हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Does the Lord has a form or is he formless? भगवान साकार है या निराकार? अगर आपको भी ये प्रश्न है तो देखिए भगवद गीता चैप्टर 7 verse 24। An intelligent man think that I was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature. बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप को धारण किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे जो वर्ड्स हैं कैसे होने चाहिए सामने वाले के लिए? इसके हमारे जो वर्ड्स हैं, जैसे हमें भगवद गीता में हमें बताते हैं चैप्टर नंबर 17 verse 14 में कि हमारे जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के प्रेजेंटिंग वे उसका कैसा होना चाहिए। तो उसमें एक लिखा हुआ है भगवद गीता चैप्टर नंबर 17 verse 14 में कि आवर वर्ड्स शुड बी ट्रूथफुल, इट शुड बी बेनिफिशियल, इट शुड बी ब्लिसफुल, इट शुड बी प्लीजिंग फॉर समवन, इट शुड नॉट बी एजिटेटेड फॉर एनीवन। एक और चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है भगवद गीता में कि हमारे वी शुड ऑल्सो रिसाइट गॉड्स लॉर्ड्स नेम। तो हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को दुखी नहीं करे और सामने वाले के लिए नुकसानदेह नहीं हो। धन्यवाद। हमारे बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति कैसे संभव है? कैन वी गेट रिलैक्सेशन फ्रॉम दिस ओल्ड एज एंड डेथ? यस, कृष्णा सेज इन चैप्टर 7 verse 29, जरामन्या मोक्षाय माम अश्रित्य यत्यांते ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स अध्यात्म करम छाकिलम। हु आर एंड्रिविंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ टेक रेफ्यूज इन मी इन डिवोशनल सर्विसेस। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेक एन एक्शन। हरे कृष्णा। कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है नेचर की एक्टिविटीज से कि ये सूर्य और चंद्रमा कैसे उदय हो रहे हैं, कैसे अस्त हो रहे हैं, नेचर को कौन संभाल रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। अगर आपको भी ऐसी क्यूरियोसिटी है तो आइए इसका आंसर हमें भगवद गीता चैप्टर 9 10th verse में मिलता है। मयाध्यक्षीर्ण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन दिस मटीरियल एनर्जी ब्रिंग्स इन टू बीइंग ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट फॉर्म्स ओ सन ऑफ कुंती। फॉर दिस रीजन द मटीरियल वर्ल्ड अंडरगोज द चेंजेस ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन। हरे कृष्णा।
क्या इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम मनोवांछित लोक को प्राप्त कर सकते हैं? Can we go to our desired planet after leaving this body? चलिए देखते हैं भगवत गीता हमें क्या बताती है। चैप्टर 9 वर्स 25 लॉर्ड कृष्णा शेष यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यजिनो अपि इमाम्। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले सदा मेरे साथ ही निवास करते हैं। हरे कृष्णा। क्या आपको भी शांति चाहिए? क्या आपको भी सुकून चाहिए? आर यू सर्चिंग फॉर पीस? अगर हाँ तो देखिए कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता के चैप्टर 5 और वर्स 29 में। भोक्तारं यज्ञ तापसं सर्वलोकं महेश्वरं सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा त्वं शान्तिं ऋच्छति। हरे कृष्ण। Why should we eat only offered food? हम भगवान को भोग लगाकर ही भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? So, ये भगवान ने अपने भगवत गीता में 3.13 में इसका आंसर दिया है। यज्ञ शिष्टा शनासन तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषा बुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। The devotees of Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sins enjoyment eat only sins. भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे प्रसाद खाते हैं। अगर भगवान को भोग लगाकर हम प्रसाद खाए सो हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है बिकॉज हम हर सिंस से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बना के उसे खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता चैप्टर 16 वर्स 21 त्रिवृधम नरक्षेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तद लोभ तस्मत् इदं त्रयम् तदे। नरक के तीन द्वार हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर। एवरी मैन शुड गिव अप दीज क्योंकि इन्हीं से एक इंसान का पतन होता है। हरे कृष्णा। Why is person forced to do sinful act even if he is not willing to do? आप गलत काम करना नहीं चाहते फिर भी आप कर बैठते हैं, ऐसा क्यों? Lord Krishna answered this question in the Bhagavad Gita, which is chapter 3, text 37. काम एषा क्रोध एषा रजो गुना समुद्भावा महासना महापापमा विधि एनम इहा वैरिनम। Lord Krishna says, it is lust only, Arjun, which is born of contact with material modes of passion and later transformed into wrath, which is all devouring and sinful enemy of this world. Hare Krishna. What should one do to become a devotee? भक्त बनने के लिए क्या करना होगा? Is it expensive? क्या बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे या ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्णा सेस इन भगवद गीता 12.8 मई एव मन आदत्स्व मई ये बुद्धि निवेशया निवेशस्यसि मई एव अत उद्वम न संशया। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. Hare Krishna. वास्तव में भगवद गीता सर्वशक्तिमान है। भगवद गीता सभी संदेहों को दूर करके सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है
और हमारा सही मार्गदर्शन कराता है। यह हमारे जीवन को वांछित प्रसन्नता एवं शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इसलिए अधिक सोच विचार किए बिना ही भगवद गीता की एक प्रति तुरंत लीजिए। भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ने का निश्चय करके इसका अमृत पान कीजिए। ओम तत्सत।